नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक ही होंगे। आज हम जानेंगे कि घर पर या दुकान पर कहीं भी हम प्रेस कैसे रिपेयरिंग करते हैं। जब प्रेस हमारे पास आता है चेक करने के लिए, सबसे पहले देख पा रहे हैं हमारे पास एक मल्टीमीटर है जो कि सही है। सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी प्रेस का चेक करेंगे, देख रहे हैं नहीं बता रहा है। फिर हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे आज। फिर हम आप देख रहे हैं इसके जो काला वाला तार है प्लग पे लगाया हुआ, इस पे काले वाले तार को लीड, हम अभी लीड चेक कर रहे हैं, लीड को चेक करेंगे, लीड हमारा सही है। देख पा रहे हैं आप दोनों सही है। मित्रों अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि हम इसको पहले खोलेंगे। देख पा रहे हैं हम इसको खोल भी चुका हूँ कुछ तक। मित्रों देख पा रहे हैं हमने लिड खोल दिया है। अब हम इसकी बॉडी को रिमूव करेंगे। हम इसे खोलेंगे जाकर हमारे बॉडी में निकले। हम इसका कॉइल चेक करेंगे, कहीं कॉइल में समस्या तो नहीं है। देख पा रहे हैं मित्रों इसके कॉइल में ही समस्या है, बाकी इसका जो ऑटो कट है ये भी सही है। और कॉइल में ही समस्या है, अभी हम इसका कॉइल चेंज करेंगे। देख पा रहे हैं अभी हम इसका ऑटो कट निकाल रहे हैं क्योंकि मुझे ये कॉइल बदलना है। देख पा रहे हैं मित्रों हमारे पास एक नया कॉइल है। कॉइल को आसानी से आप इस कॉइल को पा सकते हैं। यदि नहीं मिल रहा हो तो आप इस प्रकार से इसको रखकर इसके ऊपर बराबर नाप सकते हैं। देख पा रहे हैं हल्का सा छोटा है किंतु ये सेट हो जाएगा। देख रहे हैं साढ़े 700 वाट का है ये। अभी हम आपको इसको सेट करके दिखाएंगे। देख पा रहे हैं मित्रों अभी हमने इसको इसमें बैठा दिया है, नया वाला कॉइल, ये जूना वाला है। अभी आप देख पा रहे हैं इसका क्वांटिटी मीटर भी देखिए, क्वांटिटी बता रहा है हमको इसी तरह चेक करना होता है। अभी हम इस पर इसको ये जो बाहर जाएगा हम इसको खोलेंगे क्योंकि नया नहीं है हमारे पास।
अभी हम इसको लगाएंगे ऑटो कट। स्टेप बाय स्टेप आपको एकदम ताकि अच्छे से समझ में आ सके मैं ऐसा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि जब समझ में नहीं आएगा तो सर बताने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देख पा रहे हैं मित्रों, अभी हमारा ये कॉन्टिन्यूटी बता रहा है, ऑटो कट भी काम कर रहा है। इसी प्रकार हमें चेक करना होता है। सुभाष का भाई है ना तू? हाँ।